नकारात्मक निवेश धारणा के बीच बड़े निजी बैंकों के साथ आईटी और टेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों की मजबूती के सहारे शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन मजबूत हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 53 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 92 अंक की बढ़त में 36,414 अंक पर खुला, लेकिन जल्द ही इसमें गिरावट आ गई। दोपहर को यह दिन के निचले स्तर 36,171 पर पहुंचने के बाद संभला और 36,468 के दिन के उच्च स्तर तक पहुंचा। बाद में 53 अंकों की मजबूती के साथ 36,374 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 दिसंबर के बाद यह सबसे बड़ा स्तर है। सेंसेक्स की 30 में से 16 कंपनियों के शेयर लाल निशान में और शेष 14 के हरे निशान में रहे। निफ्टी 31 अंक की मजबूती के साथ 10,921 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान इसका दिन का उच्चतम स्तर 10,931 अंक और न्यूनतम स्तर 10,845 अंक रहा। कारोबार की समाप्ति पर यह बुधवार की तुलना में 15 अंक की मजबूती के साथ 10,905 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी का इस माह का यह उच्चतम स्तर है। निफ्टी की 50 में से 23 कंपनियां बढ़त में और शेष 27 गिरावट में बंद हुई। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।